देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के रांची से हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय ने झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और झारखंड में चुनाव है, देश के कई हिस्सों में चुनाव है और एक प्रकार से बीजेपी सरकार पर ये एक सवाल खड़ा होता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था आखिर कहां जा रही है और खास तौर पर विपक्ष निशाने पर लिए हुए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयंत सिन्हा साहब। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार बीजेपी की तरफ से दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन आखिर देश की अर्थव्यवस्था है जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वो कहीं ना कहीं से इससे पीड़ित है, आहत है। हम लोगों ने इन सब बातों को बड़ी संवेदनशीलता से समझा है और आप देख लीजिए कि माननीय वित्त मंत्री जी किस प्रकार से ठोस कदम ले रही हैं और जो हम लोगों ने सुधार के लिए जो काम किए हैं पिछले 2 महीनों में, उनसे मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आगे के दिन विकास का जो दर है वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको मालूम है कि हम लोग डिमांड साइड पे जो हम लोग किसान सम्मान निधि जो है उसके द्वारा करीब 90,000 करोड़ किसान भाइयों और बहनों को केंद्र सरकार के द्वारा दे रहे हैं और उतना ही मुझे लगता है कि राज्यों के स्तर से हम लोग कृषि जो सेक्टर है उसमें भी दे रहे हैं। तो डिमांड साइड को अगर आप देखिएगा तो वहाँ देखिएगा कि हम लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया है। साथ साथ अगर आप सप्लाई साइड को देखिए जहाँ उत्पादन वगैरह होता है, वहाँ कॉरपोरेट टैक्स कट के द्वारा और जो हम लोगों ने सुधार के कदम फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हैं, वैसे हम लोगों ने सप्लाई साइड के लिए भी बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने कदम लिए हैं। ये सब प्रभावशाली कदम हैं। जब डिमांड को प्रोत्साहन मिलेगा और सप्लाई को हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो मिला जुला कर विकास का जो दर है उसको हम लोग बड़े तेज़ी से आगे ले जाएंगे। साथ साथ और ये बात जोड़ना ज़रूरी है कि आज अगर आप पूरे विश्व भर में देखें तो विश्व भर में जो विकास का दर था वो थोड़ा कम हुआ है और उससे हमारा देश भी प्रभावित होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा वित्त मंत्री जी ने जो ठोस कदम लिए हैं उससे हम सब लोगों को भरोसा है कि आगे अर्थव्यवस्था फिर एक बार बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। चलिए, आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि आप काफी आश्वस्त हैं। हमारे साथ जयंत सिन्हा थे और इन्होंने भरोसा दिलाया कि जो मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था है और मोदी सरकार की वित्त मंत्री जिस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी प्लानिंग को लेकर चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सुदृढ़ है और आने वाले समय में उसका लाभ देश की जनता को भी मिलेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में आखिर क्या कुछ मिल पाता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची।